हाय, वेलकम टू द लैंग्वेज लैब्स वीडियो। आप सभी का हमारे इस वीडियो में स्वागत है। हम अपने वीडियो के माध्यम से एक बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर की श्रृंखला प्रस्तुत कर रहे हैं। इस श्रृंखला का उद्देश्य है कि आप घर बैठे भी अंग्रेजी बोलना सीख सकें। तो इसी श्रृंखला को जारी रखते हुए इस वीडियो के माध्यम से जो हम लोग आज स्ट्रक्चर की चर्चा कर रहे हैं वह है सब्जेक्ट प्लस इच आर एम प्लस सेटल्ड प्लस इन्फिनेटिव। सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस एडल्ट प्लस इन्फिनेटिव, इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? तो जब किसी काम को करने की योजना की चर्चा करते हैं जो कि पूर्व निर्धारित है, पहले से फिक्स्ड है। जैसे आप देखते होंगे कि स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पर, यह पहले से फिक्स्ड होता है कि गाड़ी समय से आएगी कि नहीं आएगी या गाड़ी लेट होगी, तो यह पहले से निर्धारित होता है। ऐसा नहीं होता है कि अपने आप गाड़ी आ जाती है। या हम लोग के डे टू डे लाइफ में बहुत सारा प्रोग्राम पहले से फिक्स होता है कि हमें यह काम करना है, मेरा कॉलेज जाना तय है, मेरा इंस्टीट्यूट जाना तय है। इस तरीके से बहुत सारे काम पूर्व निर्धारित होती है। तो जब किसी काम को करने की योजना की चर्चा करते हैं जो कि पूर्व निर्धारित हो, मतलब पहले से फिक्स्ड हो, तो उसे बताने के लिए हम लोग इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे, जिसके बारे में चर्चा करेंगे, दैट इज सब्जेक्ट। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग इज आर एम का प्रयोग करेंगे। शेड्यूल्ड फिक्स्ड है, इन्फिनेटिव टू प्लस बी वन, मतलब किसी भी वर्ब में आप टू लगा दो, दैट इज कॉल्ड इन्फिनेटिव। अब यहाँ एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग बता रहे हैं, जैसे राजधानी एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस इज शेड्यूल्ड टू अराइव ऑन टाइम। राजधानी एक्सप्रेस इज शेड्यूल्ड टू अराइव ऑन टाइम। राजधानी एक्सप्रेस का निर्धारित समय पर पहुंचना तय है। तो यह काम पहले से फिक्स्ड है, तो हम लोग इसको बता सकते हैं, राजधानी एक्सप्रेस इज शेड्यूल्ड टू अराइव ऑन टाइम। निगेटिव बनाते हैं कि नहीं, ऐसा तय नहीं है, राजधानी एक्सप्रेस अपने समय से नहीं आ रही है, तो राजधानी एक्सप्रेस इज नॉट शेड्यूल्ड टू अराइव ऑन टाइम। निगेटिव बनाने के लिए हम लोग इज आर एम के बाद नॉट का इस्तेमाल करेंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, जैसे मान लो हम पूछते हैं क्या राजधानी एक्सप्रेस का समय से पहुंचना तय है, तो इज राजधानी एक्सप्रेस शेड्यूल्ड टू अराइव ऑन टाइम, और इंटरोगेटिव निगेटिव, इजंट राजधानी एक्सप्रेस शेड्यूल्ड टू अराइव ऑन टाइम। इसी का हम लोग दूसरा फॉर्मेट इज राजधानी एक्सप्रेस नॉट शेड्यूल्ड टू अराइव ऑन टाइम बना सकते हैं। तो इस तरीके से फोर वे में हम लोग सेंटेंस बनाते हैं। जैसे मेरा वहाँ जाना तय है, तो आई एम शेड्यूल्ड टू गो देयर। मेरा आना तय है, आई एम शेड्यूल्ड टू कम। जैसे प्रधानमंत्री का आना तय है, तो पीएम इज शेड्यूल्ड टू विजिट हियर। प्रधानमंत्री का यहाँ विजिट करना तय है। तो जब किसी के निर्धारित कार्यक्रम के बारे में बताना हो जो पहले से फिक्स्ड है, उसे बताने के लिए हम लोग इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे। इसको भी आप फोरवे में प्रैक्टिस करेंगे। यदि आप घर बैठे अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं, तो सिर्फ स्ट्रक्चर को समझ लेने मात्र से आपका काम पूरा नहीं होगा, आपको इसको फोरवे में प्रैक्टिस करना होगा। जैसे मान लो कुछ सेंटेंस हम लोग बोलते हैं, कुछ भी आप कल्पना कर सकते हो, सब्जेक्ट के जगह आप कुछ भी डाल सकते हो, मतलब जिसके बारे में चर्चा करना हो, आई वी यू ही सी राम मोहन से आम, कुछ भी आप डाल सकते हो, इवन इंडिया डाल सकते हो। सब्जेक्ट में इच आर एम सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे, शेड्यूल्ड फिक्स्ड है, इन्फिनिटिव जिस काम की आप चर्चा करेंगे। जैसे मेरा जाना तय है, तो आई एम शेड्यूल्ड टू गो, नेगेटिव आई एम नॉट शेड्यूल्ड टू गो, एम आई शेड्यूल्ड टू गो, एम आई नॉट शेड्यूल्ड टू गो, हे शेड्यूल्ड टू कम, ही इज नॉट शेड्यूल्ड टू कम, इज ही शेड्यूल्ड टू कम, इजंट ही शेड्यूल्ड टू कम, यू आर शेड्यूल्ड टू वर्क, यू आरंट शेड्यूल्ड टू वर्क, आर यू शेड्यूल्ड टू वर्क, आरंट यू शेड्यूल्ड टू वर्क, से शेड्यूल टू ज्वाइन ईयर, सी इजंट शेड्यूल टू ज्वाइन ईयर, एस इज शेड्यूल टू ज्वाइन ईयर, इजंट से शेड्यूल टू ज्वाइन ईयर। तो इन दिस वे फोर वे में आपको प्रैक्टिस करना है। तो इससे आप बहुत कंफर्टेबल हो जाएंगे जब अपनी निर्धारित काम को बताने के लिए, जब किसी काम को करने की योजना बन चुकी है, फिक्स्ड है पहले से, उसे बताने के लिए वर्तमान समय में हम लोग इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन प्रैक्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा, जिसको आप अवॉइड नहीं करेंगे, इसको काफ़ी प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे कि डे टू डे लाइफ में बोलने में आप बहुत कंफर्टेबल फील करेंगे जब आप अपने निर्धारित प्लान की चर्चा करेंगे। तो इसी के साथ अब हम लोग इस वीडियो में विराम लेंगे, फिर एक नए स्ट्रक्चर के साथ एक नए वीडियो में उपस्थित होंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लेंगे। इसी के साथ इस वीडियो में थैंक यू।